हाउ यू आर, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, रश्मिका एंड जेस लव स्टोरी के बेस पर आप लोगों ने देखा था कि जेस को बहुत गहरा सदमा लगा होता है और मेरी मामा चाहती होती कि इस कंडीशन में मैं उसे छोड़ के वापस घर चलूँ। और मैं मामा को बोल देती हूँ कि आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैं जेस को इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जा सकती। तो मेरी मम्मा जो होती है गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मैं जेस को हक करके बैठी होती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज़ जान, प्लीज़ नॉर्मल हो जाना, बिहेव कर रही हो, आई नो तुम्हें सदमा लगा, लेकिन मेरी तरफ देखो एक बार, मुझे बात तो करो जान प्लीज़। लेकिन जैस को कोई होश ही नहीं होता। तो ऐसे जो है हमारा वो दिन गुजर जाता है और ऐसे आने वाले 3-4 दिन हमारे गुजर जाते हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि 3-4 दिन में हुआ क्या है, क्योंकि जैस जो होती है वो बहुत सदमे में होती है। 3-4 दिन तो उसे कुछ होश ही नहीं होता। फाइनली 5वें दिन जो होते हैं वो मुझसे थोड़ी सी बात करती है। हम उसके मुँह से बस जान सुनने के लिए तरस जग गई होती हूँ। फाइनली वो 5th डे मुझे बोलते हैं कि जान, जब वो जान बोलते हैं मुझे मेरे खानों पे यकीन नहीं होता। मैं ऐसे जैस की तरफ देखती हूँ, बोलो जान तो तुम ठीक हो ना, तुमने मुझे जान बोला, हाँ मतलब तुम ठीक हो, तो तुम ठीक हो ना, मुझे पहचानते हो ना तुम। तो कहते जान आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बात नहीं की। तो ऐसे बोल के रो रही होती, तो मैं उसे हक कर लेती हूँ, चुप हो जाओ सब ठीक है, हाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब ठीक है, था गौर तुमने मुझसे बात तो की। तो जैस मुझे टाइटली हक कर लेते हो, कहती पापा, फिर बोलती हाँ 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 जान आई एम सॉरी, लेकिन लिखने तो लिखा होता है ना, इसे भगवान के हाथ में होता है, हमारा इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो पेपर्स है ना। तो जैस बोलते लेकिन मैं आखिरी टाइम भी पापा के पास नहीं थी, क्यों नहीं थी, वो मुझे बुला रहे थे, मैं क्यों नहीं थी। तो मैं इसे जैस को चुप कराती हूँ, उसे मिठाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, मैं बोलती हूँ जान तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे थे, तुम्हारी मम्मा ने भी बोला, ठीक है ख़त लिखे, लेटर्स लिखे, कॉल्स की, मैसेजेस की, ईमेल्स की, लेकिन हमारे तक कुछ नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, सोचा तुमने। जैस बोलती क्या मतलब, मैंने बोला मतलब ये कि तुम्हारे भाई ने हमारे तक कुछ पहुँचने ही नहीं दिया, मतलब वो चाहता ही नहीं था कि तुम यहाँ आओ। तो जैस कहती हाँ भाई किस किस्म का इंसान है यार, वो पापा के लास्ट टाइम में भी उसने मुझे उनके पास नहीं रहने दिया, उसने बचपन से लेके अब तक मेरी हर एक चीज़ छीन रहा है वो मेरे कुछ दिन भी छीन लिए जो मैं पापा के साथ बिता सकती थी, क्यों करता है वो मेरे साथ, भाई है कि दुश्मन है मेरा। तो जैस जैसे करके बहुत रोने लग जाती है। तभी जैस की मॉम जो होती है वो रूम में आती हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से जैस ने कुछ नहीं बोला होता, एक लफ्ज़ भी नहीं। तो वो जब देखते हैं कि जैस बोल रही है, वह आके जैस को हक कर लेती है, कहती मेरी बेटी, मेरी बेटी बो रही है। तो उसे कह के रोने लग जाती है और जैस उन्हें हक कर देती है, हाँ मम्मा, मम्मा आई एम सॉरी मम्मा, मैं नहीं आ सकी मम्मा, मुझे किसी ने बताया नहीं था, मेरे साथ किसी का कॉन्टेक्ट नहीं था, मुझे भाई ने कोई मैसेजेस नहीं किए, ना ही कोई कॉल की। तो कहते क्या बात कर रही हो, तुम मेरे सामने हो, तुम्हें कॉल करता था, तुम नहीं उठा दी थी, मेरे सामने तुम्हें मैसेजेस करता था लेकिन तुम कोई रिप्लाई नहीं देती थी। मैं उस रोती थी, उसे कहती थी मेरी तुमसे बात करो, वो कहता था कि तुम बात नहीं करना चाहती। तो जैस जो है वो रोने लगी, कहती मम्मा मम्मा ये मेरा मोबाइल, हाँ मेरा मोबाइल देखो, भाई का कोई मैसेज नहीं आया, भाई की कोई कॉल नहीं आई, उन्होंने मुझसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। तो तभी जो होते हैं वहाँ पे आ जाता है जैस का भाई, उसकी मम्मा जो होती है कहती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम जैस से बात करने की कोशिश कर रही हो लेकिन वो बात नहीं करना चाहती, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, हाँ बताओ मुझे। तो ऐसे बोल के गिरबान पकड़ लेते हो, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे पापा आखिरी टाइम पे रोते रहे, तुमसे भीख मांगते रहे कि मेरी बेटी को बुला दो, तब भी तुम्हें शर्म नहीं आई। तो वो रोने लग जाता है, कहते मम्मा कैसे बुलाता इन्हें, ये खुद घर छोड़ के गई थी, मैं नहीं चाहता था कि वापस इस घर में आई, ये खुद गई थी ना, तो क्यों वापस आ रही हैं। तभी जैस जो थी वो गुस्से में खड़ी होती है और अपने भाई का गिरबान पकड़ लेती है और कहती है कि किस किस्म के इंसान हो तुम, हाँ एक अच्छे भाई तो कभी बन नहीं पाए, एटलीस्ट एक अच्छे बेटे ही बन लेते, जब पापा तुम्हारे सामने बोलते थे कि उन्हें मुझे मिलना है, कि बार मुझे देखना है, तो तुमने क्यों नहीं मुझे बुलाया, हाँ एक मैसेज तक ही कर लेते यार। तो तभी उसका भाई जो होता है वो अपना गिरबान छुड़वाते और कहते हैं अच्छा मेरे मैसेज करने से क्या हो जाता, हाँ क्या तुम आ जाती, याद है किस तरह से तुम यहाँ से गई थी, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी खुद की भाई की बीवी पकाते हुए, हाँ। तो वो ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तो तभी उसकी मम्मा कहती क्या कर रहे हो तुम, आज सब बोलो सब सुन लेंगे। तो वो कहता है क्यों मुझे क्यों चुप करवाती हो, आज मैं बोलूँगा, आपके कहने पे मैं चुप हो गया था, आपके कहने पे मैं इसके पीछे नहीं गया था, मैंने आपको पता है कि मैं वहाँ से भी इसे वापस ला सकता था, आपने बोला था मेरी छोटी बहन है मैं इसे माफ़ कर दूँ, वरना जिस इंसान ने मेरी बीवी पकाई हो ना मैं उसे जिंदगी भर कभी माफ़ नहीं करता, यहाँ तक कि जान से मार देता मैं उसे।
तभी जयस जोते हुए कहती, अच्छा जान से मारना है मुझे, मारो। किस हक से बीवी बोल रहे हो? हाँ भूल गए तुमने इसके साथ क्या क्या किया है? हाँ खुद को इसका पति मानते हो? एक प्यार तक तो दे नहीं पाए उसे। और भूलो मत, वैसे भी अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, डिवोर्स हो चुका है तुम दोनों का। तो तभी जो होती है जयस की मम्मा कहती, क्या डिवोर्स, ये कब हुआ? तो जयस बोलती है, हाँ मम्मा डिवोर्स हो गया इन दोनों का। इसने आपको सब कुछ बताया? ये आपको नहीं बताया कि इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है? और इसने आपको ये नहीं बताया कि इसने अपनी खुद की बीवी के साथ क्या क्या हरकतें की हैं? हाँ नहीं बताया इसने? तो तभी जयस की मम्मा कहते हैं कि क्या मतलब क्या किया इसने? तो तभी जयस का भाई बोलता है, बकवास कर रही है ये, इसकी बातें मत सुनिए। जयस कहती, क्यों, सच कड़वा होता है इसलिए लग रही है अब तुम्हें? हाँ रश्मि का तुम ही बताओ, इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, क्योंकि मैं तो बोल नहीं सकती इसने इतनी घिनौनी हरकतें की हैं। तो जब जयस मेरी तरफ देखते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, नज़रें नीचे चुरा लेती हूँ। तो जयस कहती, प्लीज़ आज ही दिन है, तुम्हें बोलना होगा। तो मैं कहती हूँ, प्लीज़ जान छोड़ो ना। तो तभी मेरी सासू माँ मेरी तरफ देखती हुई कहती, कि बोलो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो मैं सब कुछ बता देती हूँ, किसने मुझे किस तरह से फोर्स किया, किस तरह से मारा है, क्या क्या किया है, किस तरह से टॉर्चर किया है, मैं हर एक बात बता देती हूँ। तो जब मेरी सासू माँ ये सब सुनती हैं तो वो अपने बेटे की तरफ कहती देखती हैं और कहती है कि कह दो कि ये झूठ है, बोलो कि तुमने ये सब नहीं किया, बोलो। तो वो कहता है कि हाँ किया मैंने, तो बीवी है मेरी, हक है मेरा इस पे, और जो इसने मेरे साथ किया है वो भाग गई मेरी बहन के साथ, सरेआम मेरी इज्जत उछाल दी, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ आपकी वजह से, और आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है कि मैं इन दोनों की आरती उतारता बैठ के? तो ऐसे ही बहुत ही ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। तो तभी मेरी सासू माँ जो होती है वो अपने बेटे को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे शर्म आती है तुम्हें मेरे बेटा कहते हुए, निकल जाओ मेरी नज़रों से। तो कहते, अच्छा इसके पीछे मुझे निकलने को बोल रही हो, भूल गए आप, जब ये नहीं था तो मैं था आप यहाँ पे, आपका ख्याल मैंने रखा, बाबू जी का ख्याल मैंने रखा, और आज ये वापस आ गए तो आप मुझे भगा रही हैं। वाह ये सही है, बेटा था तो बेटी की कमी नहीं थी, अब बेटी आई हो तो बेटे को निकाल रही है घर से। तो उसकी मतलब मेरी सासू मैं कहती है, जो मेरे बेटे की हरकतें हैं ना उससे तो मैं पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा बेटा, इसलिए मैं शराफत से कह रही हूँ कि निकल जाओ मेरे नज़रों से। तो वो कहता है कि देख लूँगा मैं तुम सब लोगों को। तो ऐसे ही जयस मेरी तरफ उंगली करके वहाँ से चला जाता गुस्से में। तो मैं जो होती हूँ मैं रोने लग जाती हूँ, तो मेरी सासू माँ जो होती है मुझे हक कर लेते और कहती, बेटा तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं कहती कि मैं कैसे बताती आपको, मेरे खुद के माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया तो और किससे उम्मीद रखती मैं? पापा ने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है बचपन से लेके आज तक हर एक, लेकिन इस मामले में उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे खुद के सुपर हीरो ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं किसी और से क्या एक्सपेक्ट करती? तो मेरी सासू माँ जो होती है मेरे आंसू साफ करती है और बोलती है, बेटा लेकिन तुम्हें मुझे एक बार बताना चाहिए था ना। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ। तभी जयस जो होती है मुझे हक कर लेती है, कहती मम्मा प्लीज़ उसे वो पुरानी बातें याद ना दिलाएं, इतनी मुश्किल से मैंने वो सब इसके मन से निकाला है। तो ऐसे करके मुझे टाइटली हक करके खड़ी होती है, तो मैं उसे टाइटली हक कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे फिर मुझे हक करके पीछे होती है, मेरे आंसू साफ करती है और मेरे फोरहेड पे किस करती है, कहती बस जान बहुत हो गया, तुम्हें पता है ना तुम्हारे आँख में एक भी आंसू नहीं देख सकती, चुप हो जाओ, अब वो इंसान तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं कर पाएगा, आई प्रोमिस, मैं हूँ ना, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। तो मैं कहती हूँ, तो उसके बाद सासू माँ जो होती है वो जयस को कहती है कि क्या सच में तुम इसे प्यार करती हो? जयस कहती है हाँ माँ मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप हमारे प्यार को समझोगे या नहीं, बट मम्मा अब तो ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है इंडिया में, आपको पता है ना, प्लीज़ मम्मा हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा हमारा साथ है, हम सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्लीज़ मम्मा। तो मेरी सासू माँ जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो मैं जयस को कहती हूँ कि जान यहाँ पे हम साथ नहीं रह सकते, सासू माँ चुपचाप चली गई है मतलब वो भी हमारा साथ नहीं देंगी, हमें कोई नहीं समझेगा यहाँ पे, ना हमारे पेरेंट्स और ना ही यहाँ की सोसाइटी। तो जयस कहती है कि आई नो हम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। तो मैं जयस को कहती हूँ कि जान तुमने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ थोड़ा सा कुछ खा लो। जयस कहती मुझे भूख नहीं है। मैं बोलती हूँ प्लीज़ जान आपको पता है कि हम जितने दिन रहेंगे हमें एक जंग लड़नी होगी, जंग तब तक हम नहीं लड़ पाएंगे जब तक हम स्ट्रोंग नहीं होंगे, हमें मेंटली और फिजिकली दोनों सिचुएशन में स्ट्रोंग बनना है। तो जयस बोलती हूँ तुम्हें बोलती हूँ इसके लिए हमें खाना खाना होगा ना।
चल बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। तो मैं जो होती हूँ किचन से खाना लेने जाती हूँ, तो हमारी वो जो मेड होती हैं दीदी जो वहाँ पे काम करती थी, तो वो कहते हैं कि दीदी मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देख के, और मैंने सारी बातें सुनी है, मुझे सब पता है, मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने उस दिन आप लोग की हेल्प की थी। मुझे मुझे ज़्यादा बातें तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच दीदी, चलो कोई तो है यहाँ पे जो हमारा साथ दे रही है, अब तो हमारी फैमिली से भी बढ़ कर है, क्योंकि अब तब साथ दे रही है जब हमारी फैमिली ने भी हमारा साथ नहीं दिया था। तो वो कहती है क्या दीदी अब आप हमें शर्मिंदा करी है। मैं कहती हूँ अरे नहीं, मैं तो सच बता रही हूँ आपको। उसके बाद वो कहते हैं कि आप किचन में क्या लेने आई हैं, तो मैं कहती हूँ खाना लेना है जैस के लिए। वो कहती है अच्छा दीदी मैं निकाल देती हूँ, तो वो खाना निकाल देती है। फिर मैं वो लेके जैस के रूम में जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि जान प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। जैस कहती मन नहीं है, मुझे मुझे लगा था कि वो जैसा भी है मेरा भाई है, मैं गलत थी यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पापा मुझे बुलाते रहे और इस इंसान ने एक बार भी मुझे नहीं बताया। मुझे लगा था वो सिर्फ भाई गंदा है, बट आज रियलाइज हुआ कि वो बेटा भी बहुत ख़राब था यार, ना वो जब भाई बन सका ना बेटा और ना ही हस्बैंड, किस किस्म का लड़का है यार। जैसे जैसे कह के रोने लगती है, तो मैं उसके आंसू साफ करती हूँ। मैं बोलती हूँ प्लीज चुप, हमें वीक नहीं होना ना। अच्छा चलो मुँह खोलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो जैद बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना। मैं बोलती चुप, मैंने बोला था ना मैं वीक नहीं पड़ना, मेरे हाथ से भी नहीं खाओगी। अच्छा थोड़ा सा खा लो ना प्लीज़, देखो मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ ना। तो जैद बोलती है हमेशा की तरह ऐसे करती हो, हाथ से नहीं खिलाती स्पून से खिलाती हो। मैं बोलती हूँ अच्छा सॉरी 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 मैं भूल गई थी, चलो स्पून से हाथ को भात से खिला रही हूँ, चलो मुँह खोलो आ आ आ आ अम गुड गर्ल। तो जैस खा रही होती है, मैं बोलती हूँ कैसा बना है। तो जैस कहती सही है। मैं बोलती क्या सही है, अच्छा नहीं बना। जैस कहती आपने थोड़ी बनाया जो अच्छा होता, आपके हाथ का बना हुआ खाने के आगे तो दुनिया जहाँ का सारा खाना बेजायका है। मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा जी इतनी तारीफ। जैद बोलती है तारीफ नहीं सच। मैं बोलती अच्छा जी चलो फिर इसी बहाने खाओ। और जैद बोलती बस भूख नहीं है। मैं बोलती अरे खाओ चुपचाप। तो मैं ऐसे जाती हूँ जैस को खाना खिला रही होती हूँ, मुझे पता नहीं होता है कि मेरी सांसू माँ जो होती है वो बाहर से सब देख रही होती हैं। और तभी जैस जो होती है पेट भर के खा लेती है, कहती थैंक यू सो मच। मैं बोलती हूँ किस लिए। जैस कहती है मेरे इतना ख्याल रखने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, और आज आप मेरे साथ नहीं होती तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता यार। अरे मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, क्या करूँ, क्यों गई मैं उन्हें छोड़ के। तो मैं रोने लग जाती हूँ, मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, अगर मैं आपकी लाइफ में ना आती तो ये सब होता ही नहीं ना। तो जैस कहती है अरे नहीं पागल, आप मेरी लाइफ में हो तभी तो मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत ही खुशियाँ हैं, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। और अच्छा है ना आप मेरी लाइफ में आई, तभी मेरे भाई का असली रंग मुझे दिखा, वरना मैं तो सारे दिन की भैया भैया करती रहती। पता नहीं था कि भैया भैया करने का अंजाम इतना बुरा मिलेगा मुझे। तो ज़्यादा से कह के रोने लगती है। मैं बोलती अच्छा बस ना कितना रोती हो, देखो आंखें कैसे सूज गई हैं, अब वो नहीं रोना। तो मैं ऐसे जैस को बोल के उसके आस पास किस कर लेती हूँ। तो जैस मुझे हक कर लेती है कि बस हमेशा मेरे साथ रहना, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो चुकी हूँ, बस आपको नहीं खोना चाहती मैं। मैं बोलती अरे पागल मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और आप मुझे कभी नहीं खोगी आई प्रोमिस। तो जैस कहती है और मैं आपको खो भी नहीं सकती, मैंने आपको खो दिया ना तो मैं खुद को खो दूँगी। बोलती ऐसे मत बोलो ना, मैं कहीं नहीं जा रही वैसे भी। अच्छा चलो मैं प्लेट रख के आती हूँ। तो जैस कहती मत जाओ ना। बोलती अरे पापा किचन तक ही तो जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊँगी बर्तन रख के होके। तो जैस बोलती नहीं प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मुझे हक कर लो। तो मैं बर्तन जो होती है साइड पर रख देती हूँ। मैं बोलती अच्छा बाबा नहीं जा रही। मैं जैस के ऐसे टाइटली हक कर लेती हूँ। मैं बोलती हूँ अब ठीक है। जैस कहती हाँ बस ऐसे रो थोड़ी देर। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, अच्छा एक काम करो आप थोड़ी देर सो जाओ, अब इतने टाइम से सो ही नहीं हो ना सही से।
क्या बोलती, नहीं मुझे नहीं सोना। मैं बोलती अरे प्लीज़ ना बाबू, सो जाओ, थोड़ी देर अच्छा फील हो जाएगा वरना ऐसी तबीयत ख़राब रहेगी। तो चेस बोलती सुना दो। मैं बोलती अच्छा जी मैं सुनूँ? चेस बोलती हाँ ना, आपको तो पता है ना, आपके बगैर नींद नहीं आती। बोलती अच्छा जी चलो आओ। तो मैं ऐसे लेट जाती हूँ और अपने भाई ऐसे खोलती हूँ, तो चेस मुझे ऐसे टाइटली हक करके लेटती है। मैं ऊपर ब्लैंकेट डाल देती हूँ हम दोनों के, चेस मुझे टाइटली हक करके सो रही होती है। मैं चेस के बालों में से हाथ फेर रही होती हूँ, बोलती हूँ कि अब सब सोचना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। पता है जब हम रोते हैं ना तो हमारे प्यारों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको पता है पापा जी ना ऊपर भगवान जी के पास से देख रहे हैं आपको, और जब आप रोते हो ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। आपको पता है ना वो आपसे कितनी मोहब्बत करते थे। आप प्लीज़ रोया मत करो, आप हर्ट होते हो तो उन्हें भी हर्ट होता होगा ना। तो चेस कहती हूँ तो मुझे अच्छा अब शांत हो जाओ, आँखें बंद रखो, मैं सुला रही हूँ ना, गुड नाइट। तो मैं ऐसे बोलती चेस के बालों में ऐसे ऐसे हाथ फेर रही होती हूँ, और देखते देखते चेस थोड़ी देर में सो जाती है। और मैं कहती हूँ थैंक गॉड सो गई, थोड़ी देर सोएगी तो अच्छा फील हो करेगी। तो मैं ऐसे बोल के चेस के पास ही सोई रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है अगर मैं उठ गई तो चेस भी उठ जाएगी। तो तकरीबन एक दो घंटा मैं ऐसे जैस के साथ ले रहती हूँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही होती। मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक डर भी होता है। एक तो मैं बहुत मिस कर रही होती हूँ अपने मम्मा पापा को, उन्हें देखने के लिए मैं तरस रही होती हूँ। दूसरा ये कि मुझे डर होता है कि मेरे पेरेंट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, स्पेशली मेरे पापा किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और दूसरा डर जैस के उस भाई का भी होता है कि वो पता नहीं क्या नया स्टेप लेगा, हमारे लिए क्या नई मुसीबत खड़ी करेगा। तो ये सोचते सोचते परेशानी में मैं से बड़े आराम से उठती हूँ, चाहे उठ ना जाए। और उठते ही मैं बाहर की तरफ चली जाती हूँ, वहाँ जहाँ मेरी सासू माँ बैठती थी उस झूले पे, मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। बस सोचने लगती हूँ कि अब क्या करूँ, किस तरह से अपनी पेरेंट्स से मिलूँ, उन्हें किस तरह से मनाऊँ, और अपने सो कॉल्ड एक्स हस्बैंड का क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा चेस को मुझसे दूर करने के लिए, जो मैं नहीं चाहती थी। मैं ये सब सोच ही रही होती हूँ कि तभी सासू माँ आती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैं बोलती हूँ कि बस ऐसे ही थोड़ा परेशान थी तो यहाँ के बैठ के। वो कहते हैं कि क्या परेशानी है तुम्हें? मैं कहती हूँ कि बस अपने मम्मा पापा के बारे में सोच रही हूँ। वो कहती अच्छा, और जैसे वो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेंगे मुझे, जैस को, आई मीन हम दोनों का जो रिलेशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बस ये सब सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। बहुत मन कर रहा है मम्मा को पापा को देखने का, उन्हें हक करने का, उनसे बात करने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही कि स्मूथ से उनके पास जाऊँ। आखिरकार मैं उन्हें छोड़ के गई थी, पता नहीं वो मुझे देखना भी चाहते हैं या नहीं, पता नहीं वो मुझसे बात करना भी चाहते हैं या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जैस को किस तरह से संभालूँ। मैंने अब उसको सुला तो दिया है, बट वो कोशिश कर रही है, मुझे दिखा रही है कि वो ठीक है, बट आई नो वो ठीक नहीं है, वो अंदर से बहुत हर्ट है। आपको तो पता ही है ना वो पापा जी से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, कितना लगाव था उसका उसके साथ। और मैंने इतने टाइम में इतनी कोशिश की कि वो अपने भाई के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचे, उसका माइंड फ्रेश कर रही थी, मैं माइंड क्लियर कर रही थी, मैं उसका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही थी। और उसके भाई जो हरकतें कर रहे हैं उसके बाद जैस को उससे वो ज़्यादा नफरत हो रही है। सासू माँ बाप ही पता है मैं क्या करूँ। मुझे नहीं समझ आ रही मैं किससे बात करूँ, इसलिए आपसे कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप भी जैस और मेरे बारे में क्या सोचती हैं, क्या आपको भी लगता है कि हम दोनों पागल हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी मम्मा को तो ये लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ जो मैं एक लड़की के प्यार में पड़ गई हूँ। सासू माँ प्लीज़ कुछ बोले ना कि अभी यही सोचती हैं कि किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि ये नहीं है बीमारी, ये प्यार है। और प्यार जेंडर देख के थोड़ी होता है यार, प्यार को क्या पता कि किसी लड़के से हो रहे हैं हम या किसी लड़की से। किस तरह से समझाओ यार, मैं अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कर ली थी ना मैंने एक लड़के से शादी, लेकिन क्या हुआ
जो प्यार, जो केयर, जो रिस्पेक्ट मुझे मेरे हस्बैंड से मिलनी चाहिए थी, वो मुझे उसकी बहन से मिली, तो क्यों ना होता मुझे उससे प्यार। हाँ, जो रिस्पेक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा हस्बैंड मुझे देता, जो प्यार जो केयर मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही थी वो उसकी बहन ने मुझे दिया, तो मुझे क्यों ना होता उसकी बहन से प्यार। तो मैं ऐसे करके बहुत रो रही होती हूँ, पर मैं जो कुछ होता है मैं उस सब अपनी सासू माँ से शेयर कर रही होती हूँ, इसलिए नहीं कि वो मुझे सपोर्ट करे, मुझे समझे, इसलिए कि मैं करना चाहती हूँ बातें किसी के साथ शेयर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसके साथ शेयर करूँ, और वही मेरे सामने है, तो मैंने उन्हें सब बोल दिया। और ऐसे ही मेरी दिल की बातें करते करते मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी सासू माँ जो होती है वो मेरे आंसू साफ करती है और कहती है कि बेटा मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की बीमारी है, मैं समझ रही हूँ प्यार को, मैं समझती हूँ प्यार गलत नहीं है, लेकिन तुम लोग भी तो समझो ना, जो तुम लोगों ने किया वो गलत है। मैं कहती हूँ आई नो गलत है, लेकिन हमने किस मजबूरी से किया, अगर वो आपको पता लग चलता कुछ शायद आपको ये गलत नहीं लगता, शायद आपको पता नहीं है कि हम दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, आपको पता नहीं है कि आपके आई एम सॉरी टू से बट आपने अपनी बेटी की परवरिश अच्छी नहीं की। जैस भी तो आपकी बेटी है ना, उसकी परवरिश तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से की, तो अपने बेटे की क्यों नहीं अच्छी की, आपको पता उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। आई नो आप उसकी माँ हो, आप तो उसके खिलाफ बात सुनना भी नहीं चाहोगी, लेकिन मेरे साथ बीती है ये, मेरे साथ हुआ है, मैं बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की हैं। अगर उस टाइम मेरे साथ जैस ना होती ना, तो इस वह मैं तब सुसाइड कर चुकी होती। मेरी अंधेरी भरी जिंदगी में वो रोशनी की किरण लाई है, मेरी जिंदगी ख़त्म हो चुकी थी। उसने मुझे हंसना सिखाया, उसने मुझे जीना सिखाया, उसने मुझे प्यार करना सिखाया है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है। आपको पता है जब मेरे पेरेंट्स को मेरा साथ देना चाहिए था तब जैस ने मेरा साथ दिया। आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो गई, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। तो हम अपनी सासू माँ से बात कर ही रही थी कि तभी मेरा सो कॉल्ड वो एक्स हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, हाँ निकली नहीं तुम लोग अभी यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, मेरा घर है, और हाँ अपने उस लवर को भी लेके जाना है यहाँ से। तो आगे ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि निकलो यहाँ से। तो मैं उससे अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ लेती हूँ, तो हाथ छुड़वा रहा होता है और कहता है कि समझ नहीं आया, निकलो ये मेरा घर है। तो तभी मेरी सासू माँ जो होती है वो सामने आ जाती है और कहती है कि तुम निकलो यहाँ से, मेरा घर है। तो कहती अच्छा आप अपने बेटे को निकाल रही है, वो भी इस लड़की के लिए, आपको आपको दिखता नहीं है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, हाँ इसकी तो छोड़ो, आपको वो नहीं दिखता मेरी खुद की सगी बहन ने मेरे साथ क्या किया है, मेरी बीवी को वो घर से लेके भाग गई, अगर कोई और इंसान करता ना अब तक उसकी कब्र खोद दी होती मैंने, शुक्र करें कि आपकी बेटी अभी तक जिंदा है, उसको आप इस घर में रखना चाहे तो रख सकती हैं, लेकिन इस लड़की को मैं इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तभी मेरा हाथ क्या कि मुझे घर के बाहर खड़ा कर देता है, तो लॉक कर देता है। अब मैं बाहर खड़ी होती हूँ ना, मेरे पैरों में चप्पल होती है, ना बैग होता है, ना मोबाइल होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। और तभी मेरी सासू माँ जो होती है दरवाज़ा खोल के मुझे अंदर की तरफ कर देती है और मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा मोबाइल दे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो तभी मेरे हस्बैंड वहाँ से वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से अंदर क्या कर रही हो। तो मेरी सासू माँ जो कहती है कि कोई इस घर से निकलेगा तो वो तुम है, ना मेरी बेटी इस घर से निकलेगी और ना ही ये लड़की, निकलो तुम इस घर से, तुमने जो भी इसके साथ किया ना मुझे सब पता चल चुका है, और मैंने सोचा था कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूँगी, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर ली हैं, अब तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में मुलाकात होगी। तो ऐसे कहकर अपने बेटे को धक्का दे के अंदर से लॉक कर देती हैं, उसके बाद रोने लग जाती हैं। तो मैं अपनी सासू माँ की तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि अगर ये सब मैंने पहले किया होता तो आज इस हद तक नहीं पहुँचता, ये तुम्हारे साथ तो क्या किसी लड़की के साथ भी गलत करने का नहीं सोचता। सो यार ऐसी डेयरिंग तो हर माँ को करनी चाहिए, जो इस आंटी ने इस टाइम डेयरिंग किया है ना, अगर इंडिया की 10% माताश्री भी ये डेयरिंग कर लेना तो उनके बेटे सुधर जाएं। वेल ऐसे हो ही नहीं सकता, चाहे लड़का जो मर्जी गंदा काम कर ले, जितना मर्जी कांड कर ले, लेकिन उसकी माँ को तो उसका बेटा हमेशा हीरो ही लगता है। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या आंटी ने जो बोला है वो ऐसा कर पाएंगी, या उनका बेटा इससे भी ज़्यादा कोई घटिया हरकत करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट यार जाने पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। एंड हाँ गाइस, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि यार भावना एंड पीयू के काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो मिसिंग है। यार मिसिंग इसलिए है क्योंकि उसके कुछ एपिसोड जो है मेरे इस चैनल पे गुब्रा मलिक वाले चैनल पे हैं और दूसरे जो है मेरे दूसरे चैनल पे हैं लव का फंडा वाले पे। बट यार मैंने आप लोगों के इस प्रॉब्लम का भी हल निकाल लिया है। मैंने इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना ली है, उस पर अब तक की सारी वीडियो जो है वो अपलोडेड है, आप इजीली वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके देन गाइस, बाय बाय।